गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और दही हो गए यार। तो मेरा व्लॉग देख के हो ही जाओगे अच्छे हो तो इंटरेस्टिंग व्लॉग होता है यार। कमेंट वमेंट क्या करो, लाइक आई क्या करो, लो शुरू में ही बोल दिया। तो गाइस, मेरी हो रही है सुबह और देखते हैं पहाड़ का नज़ारा कैसा है। और वाह यार, पहाड़ का नज़ारा बहुत ज़्यादा प्यारा है। बारिश हो रही है पूरी रात भर से और देखो यार कितना ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरे रूम के जस्ट पीछे गार्डन है। और यार आज है मेरे कॉलेज का लास्ट डे और चलो देखते हैं अपनी रूममेट के पास जाते हैं वो क्या कर रही है। तो ये पढ़ रही है यार, ये 24 घंटे पढ़ती रहती है। हर टाइम सोते जागते देखो कितने बड़े बड़े खतरे लिखे हुए हैं इसने। और इतना मन पड़ता है एक मैगू ना लाया बिल्कुल नहीं पढ़ाई करती। तो चलो इसे पढ़ने देते हैं और फिर उठाते हैं अपने कॉलेज का बैग वैग। और मैं रेडी हो गई हूँ एग्ज़ाम देने जाने के लिए, तो चलो फटाफट चलते हैं। हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और अभी मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के यहाँ और मैं कॉलेज के लिए हो गई हूँ रेडी। नींदी ली है खाली 4 बजे। मुझे ये बताओ 4 बजे तो यार सोए नहीं तो उठते कहाँ से? अरे आप सो गए थे? नहीं नहीं सोए थे, मैंने इनसे बोला नहीं सोए, उठा देना 5:30 बजे। ये 5 बजे उठा रहे हैं मुझे। सभी लोग पढ़ रहे हैं और हम यहाँ पहुँच गए सेंटर पे। और यहाँ देखो सब मोबाइल से कोई किताबों से सबके सब लगे हुए हैं पढ़ने में। और एक मैं हूँ पागलों की तरह बैठी हुई हूँ, बिल्कुल मन नहीं कर रहा पढ़ने का। एक दिन पहले भी एग्जाम से नहीं पढ़ी यार, मैं बिल्कुल पढ़ाई नहीं करती हूँ, पता नहीं क्या ही एग्जाम में करके आऊंगी। सो गाइस पेपर हो गया है खत्म। और यार पहला पेपर ज़्यादा अच्छा नहीं हुआ, दूसरा पेपर तो बहुत सॉलिड हुआ। तो फेल नहीं होंगे, मारूंगी बहुत। और पहले पेपर में पास हो जाऊंगी, इतना हो जाएगा। और सेकंड पेपर तो अभी जा रहे हैं रूम पे और रेस्ट करेंगे। बारिश हो रही है बहुत तेज और बारिश में भीगते भीगते जा रहा आराम से। तो गाइस, एग्ज़ाम सेंटर के बाद मैं गई अपने कॉलेज और यहाँ पे हमने फ़ोटोशूट किया और बहुत सारी बातें की यार। हम अपने कॉलेज के टाइम को मिस कर रहे थे, हम क्या क्या करते थे और ये लोग सब ही करते होंगे। और आज मैं खुश भी थी क्योंकि कॉलेज का लास्ट डे था, और दुखी भी थी क्योंकि फ्रेंड्स से दूर जाने का दुख था यार। और मैं बहुत याद करूँगी इन दोनों मोटुओं को। तो ये दोनों भाई मेरे बहुत अच्छे थे, भाई फ्रेंड्स कुछ भी कह सकते हो आप। और ये हमने कुछ प्यारी सी फोटोज क्लिक की हैं साथ में, तो हमारी लास्ट फोटो है ये। इसकी एक्टिंग कर रहे हो? हमारी एक्टिंग कर रहे हैं। जल्दी ऐसे तो नहीं, जल्दी है तो सृष्टि की चाल है। देखिए ये है सृष्टि की चाल वाले, हम एक दिन ऐसे जब करते हैं। बड़े पेड़ पे बड़ा पपीता, पका पपीता या बड़े पेड़ पे मुझे नहीं पता क्या पपीता में। कुछ देर बाद हम फिर से कॉलेज आए और आज हमें मिला मिठाई का एक डब्बा फेयरवेल पार्टी के तौर पे, जो कि एडी सर की तरफ से मिला था। और फिर उसके बाद हमने की जाते जाते पार्टी। तो हमारे फ्रेंड का ही बर्थडे था, अभी लेट था बर्थडे पर उसने अभी पार्टी दी जाने की भी और अपने बर्थडे की भी एडवांस पार्टी। तो मज़ा आ गया यार इस पार्टी में, बहुत इंजॉय किया। ऐसा है यहाँ तक हो रही है हमारा लास्ट दिन है तो उसकी पार्टी हो रही है। उधर दिखाओ सब लोग कैसे लंगर चल रहा है। तो गाइस, इस मस्त सी पार्टी के बाद हमने कुछ फोटोज क्लिक की और बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था और दुख भी हो रहा था क्योंकि सब लोग तो चढ़ने वाले थे जीतने से। और फिर नेक्स्ट डे मेरे दोस्तों को जाना था घर और मैं इनको छोड़ने के लिए आई थी। और मूड हो रहा है पागल लड़का और मैं बहुत मिस करूँगी, लोगों को बहुत ज़्यादा मिस करूँगी।
तो ये ब्लॉग है दोस्ती के नाम और मेरे दोस्तों के लिए प्यारा सा सॉन्ग गाते जाते हैं। दोस्ती ये तेरी मेरी दोस्ती है पक्की वाली दोस्ती कसम से यारा, हर कदम के हर एक मोड़ पे मुझे तो चाहिए तेरा ही सहारा। यारों के संग बिताए जो पल मिले